देखिए ओआरओपी 2 के एरियर पर एक बहुत बड़ी खबर आई है, बहुत बड़ा न्यूज आया है। वो ये है कि ओआरओपी 2 और एरियर के फैसले पर जो कोर्ट का फैसला है वो 24 फरवरी 2023 को आएगा। वैसे अगर देखा जाए तो फुल ओआरओपी 2 का एरियर जो है वो 15 मार्च 2023 तक मिल जाना चाहिए। इसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये बात कही है कि 15 मार्च 2023 तक आपको वन रैंक वन पेंशन के मामले को कंप्लीट कर लेना है। अब ऐसे में आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे हमने ये ट्वीट आया है मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब के पास से, और ये क्या ट्वीट है आप इसे क्लियरली देख सकते हैं। मैं सारी चीजें आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताता हूं कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि अभी कोर्ट का जो फैसला है वो अभी आना बाकी है, 24 फरवरी 2023 को इसका फैसला आएगा, क्योंकि इंस्टॉलमेंट जो है वो इंस्टॉलमेंट में ना दिया जाए, वो ओआरओपी 2 का जो एरियर है वो 1 at a time दिया जाए। और अगर आप एक्चुअल में देखेंगे तो अगर पेंशनर्स को इसका बेनिफिट लेना है तो अगर वो एक मुश्त में पैसा दे देते हैं तभी पेंशनर उसका अच्छे से रियल बेनिफिट ले सकते हैं। तो सबसे पहले ट्वीट को देखते हैं कि इन्होंने क्या यहां पर मेंशन किया। ये लेटेस्ट ट्वीट है इनका, आप यहां पर क्लियरली देख ही सकते हैं कि इन्होंने मेंशन किया था ओआरओपी अर्जेंट अपडेट, ठीक है। आईएसएम मे इन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट फॉर इमीडिएट पेमेंट ऑफ फुल एरियर्स बिफोर 15th मार्च 2023 रजिस्टर्ड टूडे वाइड एमए 219 ऑफ 2023 listed for hearing on 24th February 2023, we hope for justice. देखिए इन्होंने क्लियरली ये मेंशन किया, और ये देखिए ये मेंशन भी किस डेट को किया था, 15 फरवरी को। और डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट की तरफ से क्या कहा गया था कि 15 फरवरी 2023 से आपको इंस्टॉलमेंट का एरियर जो है वो देखने को मिलेगा। अब ऐसे सिचुएशन में इन्होंने ये मेंशन किया है कि ओआरओपी का ये अर्जेंट अपडेट है, जिसमें क्या है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, जैसा कि आपको पता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये बोला था कि ओआरओपी 2 का जो फुल एरियर है वो किसी भी तरीके से आपको 15 मार्च 2023 तक क्लियर कर लेना है, वो आपको अपडेट कर लेना है। अब इसके ऊपर एक हेयरिंग अभी होना बाकी है जिसकी सुनवाई 24 फरवरी 2023 को होगी। मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब का ये कहना है कि हम लोग आशा कर सकते हैं जस्टिस के लिए, क्योंकि अभी 24 फरवरी 2023 को देखते हैं कि इसका क्या अपडेट आएगा। तो अभी बात यही है कि ओआरओपी 2 का एरियर तो डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया है कि आपको 15 फरवरी से देखने को मिलेगा इंस्टॉलमेंट वाइज, और यही बात भी चली आ रही है, और ओआरओपी 1 भी आपको इंस्टॉलमेंट में मिला था, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में ओआरओपी 2 भी आपको इंस्टॉलमेंट वाइज मिलेगा। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो ओआरओपी 2 हो या आने वाला ओआरओपी 3 हो, सारी चीजें आपको 1 at a time 1 installment में मिले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो उसी के लिए अभी सुनवाई होनी है और ये 24 फरवरी तक का आपको वेट करना है। तो देखते हैं जो भी इससे रिलेटेड अपडेट्स आएंगे, जो भी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आएगी, सटीक जानकारी आएगी, वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इसलिए तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर अभी तक आपने ETH इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, सो दैट कि ऐसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। और आपको तो पता ही कि हमारी ये हमेशा से कोशिश रही है कि हम आपके साथ ऑथेंटिक और सही जानकारी शेयर करें, और साथ ही साथ चाहे स्पर्स पेंशन पोर्टल हो या फिर लाइफ सर्टिफिकेट की बात करें, किस तरीके से आप खुद से घर बैठ करके मोबाइल से लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं, या स्पर्स पेंशन पोर्टल में आप खुद से लॉग इन करके अपने सारे स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं, आधार कंसेंट अपडेट कर सकते हैं, इन सब के बारे में हमने काफी डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। इसलिए तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ETH इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो चलिए अगर हम ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें ओआरओपी 2 को लेकर के, तो देखिए ये इंस्टॉलमेंट वाइज मिलेगा, ये डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट का कहना है। और अभी जो मैंने आपको मेजर साहब का जो ट्वीट दिखाया उसके अकॉर्डिंग ये पता चल रहा है कि ओआरओपी 2 का एरियर जो है वो एक मुश्त में पैसा मिलेगा, इसकी सुनवाई 24 फरवरी 2023 को होगी। अब क्या आगे होगा हम आप तक तो जरूर पहुंचाएंगे। वैसे मैं अगर आपको अंदर की बात कहूं, अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग बताऊं तो वो यही है कि ओआरओपी 2 का जो एरियर है वो आपको इंस्टॉलमेंट में ही मिलेगा। क्योंकि क्या है ना कि अगर आप शुरू से देखेंगे तो जो जो गलतियां ओआरओपी 1 में हुई है सेम गलतियां ओआरओपी 2 में हो रही है, और यही गलतियां आने वाले टाइम में ओआरओपी 3 में होंगी। इसीलिए तो JCOs और ORs के बहुत सारे ऐसे संगठन बने हैं जो कि रैली कर रहे हैं और जो अपनी बात को अपने मंच पर रख रहे हैं, और ये जरूरी भी है क्योंकि गलतियां अभी सुधरेंगी तभी आने वाले टाइम पे वो चीजें सही हो पाएंगी। अब ऐसे में चाहे आप MSP की बात करो, मिलिट्री सर्विस पे की, या फिर डिसेबिलिटी पेंशन की, हर एक चीज में प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना चाहिए। और अगर आप वन रैंक वन पेंशन की बात करेंगे तो क्लियर ये बात बिल्कुल
क्लियर है कि अगर देखा जाए तो जेसीओ और ओआरएस का कोई ज्यादा फायदा नहीं है ओआरओपी में, अगर हम उसको ऑफिसर रैंक से कंपैरिजन करें। और अगर आप वन रैंक वन पेंशन का संघर्ष देखेंगे, जो ये वन रैंक वन पेंशन लागू ही हुआ था कि जेसीओ और ओआरएस को इसका फायदा मिल सके, लेकिन अभी का सिनारियो यह है कि जेसीओ और ओआरएस को एक्चुअल फायदा नहीं मिल रहा है। तो ये चीजें जितनी जल्दी सही हो जाए उतना अच्छा है, ताकि आने वाले ओआरओपी हो या फिर कोई भी अपडेट हो तो उस पर सरकार अच्छे से काम कर सके। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए अभी बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपना लाइफ सर्टिफिकेट ही अभी तक सबमिट नहीं किया है, तो 20 फरवरी लास्ट डेट है उनके लिए जिनका स्पर्स में डेटा माइग्रेट हो गया है। तो अब जाहिर सी बात है कि आप अपना माइग्रेशन स्टेटस जरूर चेक करिए। देखिए मैंने आपको प्रैक्टिकली ये चीजें बताई हुई हैं, लेकिन मैं एक बार आपको यहां पर डिफाइन कर देता हूं कि देखिए आप जब सर्विसेज में जाएंगे स्पर्स पेंशन पोर्टल में, तो यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है नो योर स्पर्स पीपीओ एंड आइडेंटिफिकेशन स्टेटस। ये बहुत ही कमाल का ऑप्शन है। अगर आप इस पे जाओगे तो ये आपको आपका माइग्रेशन स्टेटस बताएगा, आइडेंटिफिकेशन स्टेटस बताएगा, आधार, पैन, मोबाइल, ईमेल, सारी चीजें बिना लॉगिन किए आपको एक जगह देखने को मिल जाएगा। तो मेक श्योर है कि आपने लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किया हुआ है और वो आपके स्पर्स पेंशन पोर्टल से अपडेटेड है। अगर उसमें अगर अपडेशन नहीं है तो आपकी पेंशन रुक सकती है, और जब पेंशन रुक जाएगा तो दोबारा से उसको एक्टिव करना बहुत ही बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज है। कहने का मतलब है कि अगर आपका पेंशन रुकेगा तो आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। यहां पर एक बात और है कि जिन लोगों का पेंशन जो है बैंक से आ रहा है, जिनका डेटा ही स्पर्स पेंशन पोर्टल में माइग्रेट नहीं हुआ है, तो उनका पेंशन भी बैंक से आएगा, बढ़ा हुआ पेंशन भी बैंक से आएगा और ओआरओपी 2 का एरियर भी बैंक से आएगा। तो ऐसे में उनका जो डिसबर्सिंग एजेंसी है वो बैंक है, और जिनका डेटा स्पर्स में माइग्रेट हो गया है उनका पेंशन स्पर्स से आ रहा है, बढ़ा हुआ पेंशन जो कोरोजेंडम पीपीओ की बात थी जिनका जनरेट नहीं हुआ, बढ़ करके पेंशन नहीं मिला फरवरी में, बढ़ करके मिलेगा इसके लिए डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी आपको बताया ही है। और साथ ही साथ अगर आपका ओआरओपी 2 का एरियर भी होगा तो वो भी आपको स्पर्स पेंशन पोर्टल से ही मिलेगा। वैसे इन सब से रिलेटेड अगर और भी कोई अपडेट होगी या कोई ऑथेंटिक जानकारी होगी तो आपको बताइए कि हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, आपको पता है कि आप हमारे साथ नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपना कोई सुझाव या एडवाइस देना चाहते हैं वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ अर्कम प्रणाम सत श्री अकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।